हाय गुड इवनिंग। आप मेरे कई लोगों ने सुबह कमेंट डाले मेरे वीडियोस पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर आज सुबह का वीडियो नहीं आया, तो मैं कहता शायद आज शाम को आएगा। बेसिकली ना मैं रिजल्ट की वेट कर रहा था, तो आई थिंक आज का वीडियो रिजल्ट के लिए था। तो रिवाइज रिजल्ट आ गया जैसा कि हमने सोचा ही था कि फ्राइडे तक आ जाना चाहिए। एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया था, क्योंकि समय लगता है देखिए सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करके प्रोसेस करने में, और फिर से ऑल द प्रेडिक्शंस जो मैंने कही थी होना ही था। और यही आप अगले दो महीने भी सुनेंगे जब जब मुझे टाइम मिलेगा, कि चाहे वो कट ऑफ को लेके प्रेडिक्शंस होती हैं, वो जनरली हमारी मेरी ठीक ही होती हैं, और इसी के लिए आप लोगों का प्यार मिलता है। तो वही जो उम्मीद थी, दो नंबर कट ऑफ नीचे गिरी है, तो जो पहले 164 था वो 162 हो गया, क्योंकि कई लोगों के नंबर कम हुए जो हमसे नीचे वाले भी थे। कैटेगरी क्वालिफिकेशन जो पहले 129 था वो गिर के अब 127 हो गया है, तो पूरे दो दो नंबर का फ़र्क हुआ है कि 162 से 127 आ गया है। तो दो नंबर वो, दो नंबर वो। हाँ, पर आप हमेशा ना रैंक का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें मार्क्स ये भी हो सकता है कि सेम 162 पे या 127 पे कोई बच्चा फेल हो जाए, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि ऑल इंडिया रैंक 1,11,65,334 ये कट ऑफ होती है, क्योंकि 162 नंबर के अंदर भी बहुत सारे बच्चे होंगे ना। तो अगर आप 1,11,65,334 से हो तो फिर आप फेल हो जाओगे, और इसी के लिए हम 50th परसेंटाइल देखते हैं स्कोर में, राइट। तो 50th परसेंटाइल है वो 1,11,65,334 बनेगा जनरल के लिए, और कैटेगरी क्वालिफिकेशन के लिए जो कि 127 नंबर है उसके हिसाब से आपको देखना है। तो 162, 127 दो दो नंबर नीचे हो गए क्वालिफाइंग स्कोर। और जैसा कि मैंने कहा था, अभी तक मैंने 3-4 स्कोर कर चेक करे तो बिल्कुल वही 4 से 5 हज़ार रैंक का फ़र्क आया है, जिसके नंबर कम नहीं हुए। मेरे सामने एग्जाम्पल है तो 361 मार्क्स, अब उसकी रैंक 4,57,000 हो गई है, और ओरिजिनल जब रिजल्ट था तब 4,62,905 थी, तो 5,000 रैंक का फ़र्क पड़ गया है। और इसी तरीके से धीरे धीरे चेंजेस हो रहे हैं। एक और मेरे पास अभी मेरे स्टूडेंट का मैसेज आया, उसके पहले 75,757 रैंक थी, अब 72,000 हो गई है, तो 3,000 रैंक बढ़ गई है। ये वो बच्चा है जिसके 5 नंबर कम नहीं हुए थे, तो 605 पे आप कह सकते हो अब रैंक 72,178 हो गई है, 72,188 जो पहले थी 75। तो भाई जो मैंने आपको कहा था कि जब ऊपर होगा तो गैप कम होगा, बिल्कुल जो 700 पे पहुंच जाओगे तो गैप 200-300 नंबर का होगा, 601 के आसपास आपको आइडिया लग गया कि जो रैंक है उसमें 3,000 की इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसके नंबर कम नहीं हुए, जिससे नंबर कम नहीं होंगे उनका उतना ही गिर जाएगा पर मार्क पे। और सिमिलरली जो एक और स्टूडेंट है जिसके 524 नंबर थे, जिसके नंबर कम नहीं हुए, नई रैंक 1,72,148 है, 1,72,000 पहले थी, एक सेकेंड, पहले थी। और देखिए जैसे 5 नंबर कम हुए उसके तो 15,000 से 20,000 रैंक डाउन होगी, ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो 524 से पहले उनकी रैंक 1,76,000 थी और अब 1,72,000, फिर से 4,000। सिमिलरली 390 नंबर पे अब नई रैंक 3,93,000 है, कल 3,96,000 थी। तो जिन लोगों के नंबर चेंज नहीं हुए, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, 4 से 5 हज़ार रैंक का फ़ायदा हुआ है, और उसके हिसाब से जिसके नंबर 5 कम हुए हैं उनकी रैंक्स उतनी ही डाउन हो गई हैं। 4-5 हज़ार रैंक का ही फ़र्क पड़ना था। मैं जानता हूँ कि सरकारी बच्चों के लिए तो दो दो रैंक इंपॉर्टेंट होती है, या आपको पर्टिकुलर कॉलेज चाहिए, एक रैंक से भी आप उस कॉलेज को मिस कर सकते हो, बट थैंकफुली प्रेडिक्शंस आर राइट। दो दो नंबर क्वालिफिकेशन ही कम हो गए हैं, तो कुछ आप में से 163 164 वाले थे, 128 वाले थे कैटेगरी क्वालिफिकेशन में, तो आप सेफ हो गए हो। एंड चूंकि अब रिजल्ट आ गया है, मैं बार बार कह रहा था कि दो थिंग्स आर नॉट कोरिलेटेड विद ईच अदर, लेकिन रिजल्ट आ गया है तो बस अब MCC अपनी तैयारी कर रही है दूसरे एंगल पे। तो मेरे ख्याल से इस वीकेंड में या नहीं तो मंडे तक हमारे पास MCC के नोटिस आने, काउंसलिंग के लिए शुरू हो जाने चाहिए। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। शेयर कीजिए चैनल, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जब भी अच्छी जानकारी होगी आपको देता रहूँगा। वेरी फ्रेंकली वी आर वेरी क्लोज टू अचीविंग अवर क्लाइंट, हम 100 से ऊपर क्लाइंट लेते नहीं हैं, इसलिए मैंने कहना ही बंद कर दिया कि आप हमें कॉल कीजिए। और मुझे पता है कि एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेसमैन कहना नहीं चाहिए, लेकिन ना ही कीजिए तो ठीक है।
तो आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू हैविंग अवर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, और उसके साथ ज़्यादा बच्चों से का काम करना मेरे पास ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ वर्क भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, नहीं करना चाहते. ओके, तो हैव ए नाइस डे. जैसा मैंने कहा था, दो दो नंबर कम रैंक्स, जिसके मार्क्स नहीं कम हुए 5000 से बढ़ गई, जिसके कम हुए उससे गिरेगी. और मेरे सामने एक और बच्चे का आया है जिसके नंबर कम हुए हैं, उसकी सेम रैंक 4000 से डाउन हो गई है, क्योंकि उसके मार्क्स कम हो गए हैं. तो 419 नंबर पे अब रैंक आ गई है 3,37,000, क्योंकि उनके नंबर ही 419 हो गए हैं ना, तो 5 कम हो गए हैं. और नहीं नहीं ये भी ना गलत बोल रही है अग्नरी, वो ये सब मेरे ना एक्चुअली व्हाट्सएप पे बच्चे लगातार मुझे भेजे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे उनका वो आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ. आई थिंक मेरे मोस्टली बच्चे हैं ना, किसी के नंबर कम नहीं हुए, इसके हो गए. देखो अब 424 नंबर थे पहले, रैंक थी 3,33,000, नंबर रह गए 419, पर रैंक गिरी है वही 4,000 से. सो 3,33,000 के बदले अब रैंक हो गई है 3,37,000. ठीक है, प्राइवेट की जब एक बार आप आए तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. देर आर कैप्स आर हायर देन गवर्नमेंट वाली जो कट ऑफ्स हैं 650 प्लस में जो प्ले कर रहा है. ओके, सो ठीक है, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक. और आप जानते ही हैं कि आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज ने अपना ब्रोशर निकाल दिया है, उनकी साइट पर चेक कर लीजिए, सेंट जॉन्स ने निकाल दिया है. सेंट जॉन्स में 10 सीटें ऑल इंडिया मेरिट की हैं. AFMC फौजियों कॉलेज है, 7 साल का बॉन्ड होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिकल एग्ज़ाम लेते हैं. वो सारी डिटेल AFMC के ब्रोशर में हैं, जो कि उसकी वेबसाइट पर है. आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज शानदार कॉलेज है, अगर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, गुड लाइफ बट अ वेरी स्ट्रीम लाइन डिसिप्लिन लाइफ. तो जब MCG का फॉर्म आएगा तो उसमें आपसे पूछेगा डू यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर AFMC और नॉट, येस करेंगे. अगर आप टॉप, क्योंकि वो 145 सीटों के लिए, लड़कों की सीट 115 है, तो तकरीबन 1500 बच्चों को बुलाते हैं. सो जनरली अगर आप टॉप 20,000 रैंक में हैं तभी आपको कॉल आएगी, पर बटन येस करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका इंटरेस्ट है तो. और उसमें बॉन्ड सर्व करना पड़ता है 7 साल का, वरना बहुत हैवी पेनल्टीज़ है. तो इसी वीडियो में बता रहा हूँ, AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज वेबसाइट पर जाएंगे, ब्रोशर सामने नज़र आ जाएगा, सिंपल ब्रोशर है, पढ़ के आप स्पेशली मेडिकल टेस्ट के बारे में पढ़ लीजिए. वो लोग एक इंग्लिश टेस्ट भी लेते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग इन आर्मी सो दे वॉन्ट स्मार्ट पीपल. और वो एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लेते हैं टू चेक यूअर एप्टीट्यूड एंड मैंटेलिटी एज ए ह्यूमन. तो AFMC का भी रिजल्ट, वो ब्रोशर आ चुका है, साइट पर जाके देख लीजिए. ओके, बाय, टेक केयर.